जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि BSSC के फाइनल रिजल्ट आने में होगी देरी, और सबसे बड़ा सवाल यही अभी है कि टाइपिंग का शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आने की संभावना कब है, क्योंकि यहीं पर जो है सब मामला जो अटका हुआ है। अगर टाइपिंग लिस्ट दे देता है आयोग तो उसके बाद एग्जाम कभी भी ले उसकी चिंता नहीं है, बस टाइपिंग लिस्ट जो है वह जल्द से जल्द प्रकाशित कर दे आयोग के द्वारा। तो कल जो ट्विटर कैंपेन किया गया था हम लोग के द्वारा, आप भी इसमें बहुत अच्छे से सहयोग किए थे, तो उसके बाद ही जो है आयोग के सचिव का बयान आया हुआ है। देखिए बयान में क्या दिया गया है कि प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम में होगी देरी, तृतीय श्रेणी के 13,000 पदों के लिए आना है रिजल्ट। देख लेते हैं पूरा न्यूज क्या है, क्या स्पेशल बोला है ओम प्रकाश पाल ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा फाइनल रिजल्ट आने में देरी होगी। तृतीय श्रेणी के 13,000 पदों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा परिणाम फरवरी के अंत में ही आ चुका है। विभिन्न पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट आदि लेना बाकी है। वैसे राज्य कर्मचारी चयन आयोग का इस माह के अंत तक फाइनल रिजल्ट देने का लक्ष्य था, जो कि असंभव था। ये बस पेपरबाजी ही होता है। इस ये जो बोल रहा था कि इस मंथ के लास्ट तक जो फाइनल रिजल्ट दे देंगे, तो ऐसा कभी संभव था ही नहीं। बस टाइपिंग ले लेता और टाइपिंग का जो रिजल्ट की बात है वो दे देता। एक जो होता है जो मेधा सूची जो हो जो फाइनल रिजल्ट के बाद आता है वो अभी आना बाकी था। आगे देख लेते हैं। माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की यही रफ्तार रही तो रिजल्ट आने में 3 माह और देरी हो सकती है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए सभी प्रक्रिया तेजी से की जा रही थी, लेकिन कोरोना के इस पे ब्रेक लगा दिया। प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा दिसंबर 2020 में हुई थी। राज्य के विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होनी है। इसमें अधिकांश पद विभिन्न कार्यालय में सहायक के हैं। मुख्य परीक्षा में 52,784 अभ्यर्थी सफल हुए थे। शारीरिक क्षमता जांच वाले पदों के विरुद्ध खाली पद के 5 गुना सफल आवेदकों की लिस्ट आयोग के वेबसाइट पर अपलोड की गई है। आगे देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2014 में ही आवेदन लिया था। ये तो सब बात जानता ही है, तो बताने की बात। हमारा जो विशेष मांग है कि आयोग जो है वो टाइपिंग लिस्ट देके मामला को क्लियर करे, एग्जाम कभी भी ले उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि कोरोना का कहर इतना खतरनाक है अभी। इस चीज़ को आप हल्के में मत लीजिए, कोरोना का सच में कहर अभी बहुत है। नहीं तो आप न्यूज़ में देख सकते हैं, अपने आस पास में देख सकते हैं कि सभी संक्रमित हो रहे हैं, तो इससे हमें बचना है तभी हमें एग्जाम देगा। मगर सबसे बड़ा डाउट वाला चीज़ है कि टाइपिंग लिस्ट जारी करें। टाइपिंग लिस्ट जैसे जारी करेगा तो 25 से 30 हज़ार जो भी स्टूडेंट उसमें पास होंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, और जिनका रिजल्ट में नाम नहीं आ रहा है तो उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि वो आगे का कोई भी तैयारी कर सके। तो इस तरह क्या हो रहा है कि 52,000 स्टूडेंट अभी इसमें फंसे हुए हैं। तो आयोग को ये चाहिए कि रिजल्ट जो है जल्द से जल्द प्रकाशित कर दे। आप एग्ज़ाम कभी भी ले, 3 महीना 4 महीना जब भी ले, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका यही गुजारिश है हम लोग से, टाइपिंग लिस्ट जो है आप जारी कर दें। आगे देखिए, अब यहाँ पे दरोगा बहाली पे भी कोरोना का संकट है, और क्योंकि देखिए कोरोना की वजह से बहाली प्रक्रिया में विलम्ब, तो सभी जगह कोरोना का मार है। आप खुद देख रहे होंगे हर एक एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो रहा है, चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो SSC का हो। तो इससे हम लोग को अभी बच के रहना है। तो अभी हम लोग एग्ज़ाम का तो मांग कतई नहीं करेंगे, हमको बस एक ही मांग है कि आप जो है टाइपिंग लिस्ट का रिजल्ट आप फाइनल दे दे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।